हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाने वाले ऐसे टॉप 5 ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं, जो बिल्कुल फ्री हैं और जिन्हें कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKVY। तो इन योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ने लगभग हर सेक्टर्स के लिए ढेरों फ्री और पेड कोर्सेज निकाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्किल इंडिया और स्वयं प्लस, तो इन वेबसाइट्स में आपको लगभग हर सेक्टर से संबंधित कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो इन प्लेटफॉर्म से ही मैं आपके लिए टॉप 5 ऐसे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढ कर लाया हूं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल हैं। जो कोर्सेज हमने अपनी लिस्ट में रखे हैं वो ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड आज भी है और भविष्य में और बढ़ने वाली है, और ये कोर्सेज कंप्यूटर, IT, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड हैं। तो अगर आप जल्दी से जॉब पाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये कोर्सेज जरूर से करने चाहिए, क्योंकि एक तो इन्हें करने में आपका कोई पैसा नहीं लगना, दूसरा आप घर में बैठकर इन कोर्सेज को कर सकते हैं, और इन कोर्सेज को करने के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसकी एक नॉर्मल सर्टिफिकेट से कहीं अधिक वैल्यू होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने वाले ऐसे टॉप 5 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज बाय गवर्नमेंट की लिस्ट में 5th रैंक में हमने 5 कोर्सेज को रखा है। फर्स्ट है आपका सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर डिजिटल स्किल्स एंड लिटरेसी। सेकंड कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल लिटरेसी, जो हिंदी में कोर्स है। थर्ड कोर्स है वर्क प्रोडक्टिविटी टूल्स। फोर्थ कोर्स है कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स, और 5th कोर्स है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, तो अगर आप एक बिगिनर हैं, कंप्यूटर आपको नहीं आता है, कोई भी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको नहीं है, ठीक है, और जो है आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं ये सीखना चाहते हैं, इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जैसे MS Excel, पावर पॉइंट या वर्ड, इन पर काम करना सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स सीखना चाहते हैं, और इंटरनेट कैसे यूज़ करते हैं, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को कैसे सर्च वगैरह करते हैं, ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये 5 कोर्सेज आपके लिए बेस्ट हैं। ठीक है, एक तो फ्री है और दूसरा इनमें आपको सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन या फिर कोर्स को पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट जो है आपको दिया जाता है। ठीक है, कुछ कोर्सेज हिंदी में है, कुछ कोर्सेज इंग्लिश में है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो मिनिमम एजुकेशन है वो कईयों में 10th पास है, कईयों में 12th पास है, और कुछ में आपको जो है कोई भी मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इस कोर्स को करने के लिए चाहिए। तो ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं अगर आप एक बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, और साथ ही आपको एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बॉडी की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो एक नॉर्मल सर्टिफिकेट से कहीं अधिक ज़्यादा होती है। अगर आप उस सर्टिफिकेट को कहीं जॉब में दिखाएंगे तो उसकी एक वैल्यू होगी, उसके बेसिस पे आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। तो ये कोर्सेज हैं 5th रैंक में जिन्हें आप कर सकते हैं, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है दिए गए हैं। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज बाय गवर्नमेंट की 4th रैंक में हमने फिर से 5 कोर्सेज को रखा है। फर्स्ट है फाउंडेशन कोर्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। सेकेंड कोर्स है एडवांस टेक्निक्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। थर्ड कोर्स है ग्रो योर बिजनेस विद फेसबुक, ये हिंदी में है कोर्स। फोर्थ कोर्स है बिल्ड एंड ग्रो योर बिजनेस यूजिंग व्हाट्सएप, तो ये भी हिंदी में है। और लास्ट कोर्स है आपका रील्स मास्टर क्लास। ठीक है, तो अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सीखना है, आप एक सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं, आपको कंटेंट क्रिएशन सीखना है, यानी आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, या फिर आपको ऑडियंस एनालिसिस कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी कैसे प्लान करते हैं, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, ये सब आपको सीखना है सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आप जो है इन कोर्सेज को कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एडवांस टेक्निक भी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या होती है वो सीखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही आप जो है किसी बिजनेस को फेसबुक पर कैसे ग्रो करेंगे, या फिर आप व्हाट्सएप का यूज़ करके कैसे किसी बिजनेस को बिल्ड एंड ग्रो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा रील्स मास्टर क्लास का भी यहाँ पे एक कोर्स है, यानी अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते हैं तो उन पर कैसे ग्रो करते हैं, किस तरह की रील्स आपको बनानी चाहिए, कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको इन कोर्सेज के अंदर मिलती है। ठीक है, तो अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर बनना चाहते हैं या फिर आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीखना है कि सोशल मीडिया पर कैसे कंटेंट बनाते हैं, किस तरह से बनाना चाहिए, तो ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि इन कोर्सेस के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इन कोर्सेज में ये सभी कोर्सेज जो हैं इसमें 12th पास चाहिए या फिर आपके पास ITI या कोई डिप्लोमा जो है होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एज रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको जो है नहीं चाहिए, और इन कोर्सेज को भी NSDC अकेडमी द्वारा प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बॉडी की तरफ से ही आपको जो है सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है या फिर कंटेंट क्रिएशन के बारे में आपको सीखना है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की 3rd रैंक में हमने 2 कोर्सेज को रखा है। फर्स्ट है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग एंड एडिटिंग, और सेकेंड कोर्स है आपका सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्निकल राइटिंग। ठीक है,
तो अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं और आपको सीखना है कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है, या फिर टेक्निकल राइटिंग आपको सीखनी है, तो जो है आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज के समय में जो कंटेंट राइटर हैं उनकी मांग बहुत है, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत कंटेंट राइटर ढूंढते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो मीडिया कंपनी है वो भी कंटेंट राइटर ढूंढती है, तो उनके लिए आप जो है कंटेंट लिख सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आपको लिखने का शौक है, आपको लिखने में अच्छा लगता है, तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इन कोर्सेज में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम एजुकेशन चाहिए वो 12th पास चाहिए, ITI चाहिए या फिर डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, हालांकि रिक्वायर एज रिक्वायरमेंट कोई नहीं है और कोई भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं या टेक्निकल राइटर बनना चाहते हैं, तो ये दो कोर्सेज आप कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज बाय गवर्नमेंट की सेकेंड रैंक में हमने दो कोर्सेज को रखा है। फर्स्ट है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव डोमेस्टिक नॉन वॉइस, ठीक है। सेकेंड कोर्स है आपका म्यूचुअल फंड एजेंट, ठीक है। तो अगर आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनना है, कस्टमर सपोर्ट का काम आपको करना है, तो आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन वॉइस है, यानी चैट के थ्रू किस तरह से आप कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। ठीक है, टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की सिखाई जाती है, कैसे आप कस्टमर की क्वेरीज को अटेंड करेंगे, उन्हें कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंतर्गत जो है सीखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप Amazon के VCA जैसे जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, कई सारी Flipkart की जॉब रोल्स हैं कस्टमर सपोर्ट के, तो उनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट में आप काम करना चाहते हैं, तो आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एजुकेशन जो आपको चाहिए वो 10th पास चाहिए और आपकी जो एज है वो अबव होनी चाहिए 16 के। ठीक है, इसके अलावा ये कोर्स NSDC अकेडमी के द्वारा ही बनाया गया है और आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सेकेंड हमारा कोर्स है इसी में म्यूचुअल फंड एजेंट के लिए। ठीक है, तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड एजेंट बनना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड एजेंट भी जो है बन सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है इस कोर्स के लिए, ना ही कोई एज की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी आपको जो है सर्टिफिकेट NSDC की तरफ से जो है दिया जाता है। फ्री ऑनलाइन कोर्सेज बाय गवर्नमेंट की हमारी 5th रैंक में हमने रखे हैं 6 कोर्सेज। फर्स्ट है आपका वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अच्छी बात यह है कि ये हिंदी में कोर्स है और इस कोर्स के लिए लगभग 162,403 लोगों ने इनरोल किया है, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। लगभग 4 आवर्स का कॉन्टेंट है इसमें और हिंदी लैंग्वेज में ये कोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोर्स है एथिकल हैकिंग का। ठीक है, आज के समय में आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन सिक्योरिटी जो है कितना बड़ा मुद्दा है और इस फील्ड में जो है जॉब रोल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, 7 आवर्स का ये टोटल कोर्स है। थर्ड हमारा कोर्स है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी ऑनलाइन सिक्योरिटी से रिलेटेड ही कोर्स है। और फोर्थ कोर्स है हमारा डेटा एनालिस्ट का। तो आज के समय में आप देखेंगे कि जो डेटा है वो कितना बड़ा एसेट होता है कंपनी या बिजनेस के लिए, तो अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। फिफ्थ कोर्स इसी में हमारा डेटा एनालिस्ट यूजिंग एक्सेल है, तो अगर आप एक्सेल का यूज करके डेटा एनालिटिक्स सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आप जो है कर सकते हैं। ये भी जो है बिल्कुल फ्री कोर्स है। लास्ट हमारा कोर्स इस लिस्ट में है पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आज के समय में पाइथन जो है काफ़ी वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है। ठीक है, फिर चाहे AI लैंग्वेज हो, वहाँ पे भी पाइथन का यूज़ होता है, तो अगर आप कोडिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 5th रैंक में हमारे कोर्सेज हैं 6 के 6, वो काफ़ी एडवांस कोर्सेज हैं। ठीक है, आज के समय में जितने भी जॉब रोल्स हैं या फिर फ्यूचर में भी जो जॉब रोल्स होंगी, उनको आप इन कोर्सेज को करने के बाद जो है कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 5 ऑनलाइन कोर्सेज बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आप इन कोर्सेज को करना चाहते हैं तो सभी के जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर आपको और भी लिस्ट चाहिए जो गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं उनकी, तो नीचे PDF भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जो है क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।